इसमें इसमें काम करो ना, मुर्दा घर से लाश भी रख दो ना इसमें, कैमरों का सेट जाना ना। अच्छा हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हाँ, ताबड़तोड़ तरीके से लेट। और क्यों लेट? क्योंकि भैया हमें एक काम था जो कि होने वाला था 2 बजे, और एग्जैक्ट पीछे क्या गिर रहा है भाई, और एग्जैक्टली अभी एक्चुअली ना गाड़ी अंदर से ना भैया से साफ़ कराई है, अभी ज़्यादा अपना वो प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कराई है। तो मैंने कहा भैया जो जितनी साफ़ होती है वो कर दो आप, अभी सामान ना पीछे उलझा इधर उधर हिल रहा है, देख रहे पीछे आवाज़ कर रहा है। इसमें ना हमने कैंपिंग का कुछ सामान भी लिया था ना मनोज भाई की बदौलत से, ठीक है, और कैंपिंग किया नहीं वैसे कैंपिंग करने की सीरियसली हालत भी नहीं थी यार, जो हालत हो रही थी ना ट्रिप पे। वैसे ट्रिप काफ़ी मज़ेदार था यार, काफ़ी मज़ेदार, बहुत एडवेंचरस, मतलब एक एक टर्न्स पे ना आपको फील आ जा रही थी कि भाई अलग ही वाइब है, एकदम रॉ नेचर। पांगी वैली मस्ट रेकमेंडेड प्लेस है, स्पेशली अगर आपको ना ड्राइविंग और ना आपको राइडिंग और एडवेंचरस जगहों पे जाना पसंद है यार। अगर आपको नॉर्मल हाईवे वाईवे जाना है तो फिर तो गोवा निकल जाओ, रोड्स बहुत अच्छे हैं। हाँ, गोवा निकल जाओ, सीधे समृद्धि हाईवे लो या फिर यहाँ मुंबई हाईवे, समृद्धि हाईवे, ये सब लेके गोवा निकल जाओ। बट अगर आपको ऐसे रोड चाहिए जैसे मेरे सेक्टर में, एग्जैक्टली मेरे सेक्टर में भी पांगी वैली है ना, मैंने चंद्रताल का नाम चेंज करके पांगी वैली कर दिया क्योंकि उसके पहले मैं पांगी वैली गया नहीं था। तो भैया मेरे सेक्टर जैसे रोड्स चाहिए तो आपको पांगी वैली जाना पड़ेगा या तो मेरे सेक्टर आना पड़ेगा। बाकी अभी फिलहाल अपन निकले हैं यहाँ से, सीधे नोएडा जा रहे हैं, सौरभ भाई से मिलना है। सौरभ भाई से बहुत टाइम हो गया मिले हुए, मतलब 4-5 दिन तो हो गया, अदरवाइज हम दिल्ली मिलते रहते हैं और बात तो हम दिल्ली कर रहे हैं। बाकी अपना स्टोर भी कल शाम को, मतलब कल दोपहर में मैं आ गया था, उसके बाद स्टोर भी विजिट किया, तो स्टोर का भी अपडेट, और स्टोर अपना इसी वीक में या अगले वीक स्टार्टिंग में इनॉग्रेट हो जाएगा। ऑलमोस्ट 99.9% काम कंप्लीटेड है, 1% इतू सा इधर उधर वाला काम थोड़ा थोड़ा बाकी है। भाई इसको मैं कह रहा था पांगी वैली, हाँ बस यहाँ पे थोड़ा पहाड़ की कमी है, ये स्ट्रेट है, वहाँ पे थोड़ा कर्व ज्यादा था, बट रोड वैसे ही है, हाँ वैसे ही कीचड़, वैसे ही गाड़ी देखो कैसे हिल रही है, देख रहे हो, हाँ ऐसे ही है बस। फुल पांगी वैली वाला मजा गुड़गांव में, वापस घर आना पड़ा। एक छोटी सी चीज़ मैं भूल गया था, तो मैंने पापा को पहले फ़ोन कर दिया कि भाई वो मेरे टेबल पे रखा हुआ था, एक्चुअली ना कुछ है जो हमें शूट करना है और उस शूट के लिए ना वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरे साथ अभी भी था, ठीक है, मिल गया ना, भगले आप बहुत। हाँ अरे भाई 3 बजे अराइवल दिखा रहा है, 4 बजे कैसे पहुँचेंगे वापस। देखो यहाँ से दिखा रहा है भाई 1 घंटे 9 मिनट, मतलब ज़्यादा ट्रैफिक होना नहीं चाहिए 40 किलोमीटर के लिए, 1 घंटे 9 मिनट भाई, यही अगर मुंबई रहता ना तो 3 घंटे लगते हैं मुंबई में हमेशा ट्रैफिक रहता है ना, आज यहाँ पे G20 समिट के वैसे ना थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा होगा, बट ठीक है यार 1 घंटे 9 मिनट, और 4 बजे तक वापस भी आना है, तो मतलब जो भी काम है वो फटाफट निपटाना है और फटाफट वापस आना है। भाई भगवान भी इतना मेहरबान है ना, इंडिया में G20 समिट हो रहा है और वो भी दिल्ली में, इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड और पॉल्यूटेड सिटी, ठीक है पॉपुलेटेड तो चलो फिर भी ठीक है, बट पॉल्यूटेड तो है भाई, देखो कुछ भी कहो पॉल्यूटेड तो है, और बाहर कंट्री से डेलीगेट्स और प्रधानमंत्री भाई भाई वो सारे लोग आए हुए हैं, अब US वाले लोग आए हुए हैं, कनाडा वाले लोग आए हुए हैं, फ्रांस जर्मनी वाले लोग आए हुए हैं, अब उनको पॉल्यूशन तो भगवान ने ना बारिश करवा दी यहाँ पे। हाँ भाई इंडिया में आयो तगड़ा मौसम एंजॉय करो, मनाली का मजा गुड़गांव में लो, सॉरी दिल्ली में लो भाई, वो भी खुश होंगे, दिल्ली बंद बारिश ग्रीनरी, हाँ भाई क्या अच्छी छवि गई होगी अपने कंट्री की। और जी अपना एक और प्लान बन रहा है इंटरनेशनल ट्रैवल का। देखो इंडिया में तो रोड ट्रिप्स अपन ने ना बहुत सारे किए, बहुत सारे, मतलब ऑलमोस्ट कश्मीर से कन्याकुमारी तक मैं ना रोड से ट्रैवल कर चुका हूँ। बहुत सारे अभी भी ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ट्रैवल नहीं कर पाया या किसी रीज़न के वजह से वहाँ तक अभी तक पहुँच नहीं पाया, बट मोस्ट ऑफ द स्टेट्स और मोस्ट ऑफ द हाईवेज ना मैंने कवर किए हुए हैं और मुझे उन हाईवेज का आइडिया है। बट यार अपन ने ना इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत कम किया, इंटरनेशनल ट्रैवल के नाम पे मैं दुबई गया था भूटान क्या इंटरनेशनल, भूटान तो इधर लोकल ही है, इधर जैसे अपना इधर फरीदाबाद नहीं जाते वही, हाँ आना जाना में बीच में बस एक टोल पड़ता है, वहाँ भी बस बीच में एक कस्टम का ये है चेक पॉइंट और इंटरनेशनल बॉर्डर है। बाकी नेपाल अभी नहीं किया, नेपाल अपना प्लान्ड है, बट इस बार प्लान कर रहे हैं ना कि भाई
अभी मैंने सिंगापुर वीजा वाला चीज वहां जाके बताऊंगा, बट अपन अभी प्लान कर रहे हैं कि कुछ इंटरनेशनल ट्रिप्स जो फ्लाइट से करते हैं वो भी करें, चाहे वो बजट ट्रिप हो गया या फिर वो उस जगह पे एग्जॉटिक उस कंट्री में जाके एग्जॉटिक लोकेशंस को कवर करना हो गया, वो सारी चीजें भी प्लान करें. यू नो देयर इज ऑलवेज चेंज इन कंटेंट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, मतलब चेंज इज द ओनली थिंग कॉन्स्टेंट. आप भी गाड़ी 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 देख के शायद आई डोंट नो आपको कितना आप कनेक्ट कर पाते हो नहीं कर पाते हो, बिकॉज मेरा चैनल प्रमायरली ट्रैवलिंग के ऊपर ही है एंड प्रमायरली तो मैंने रोड ट्रिप पे ही स्टार्ट किया था, बट देन अभी ये थॉट प्रोसेस है कि भाई इंटरनेशनल ट्रिप्स भी करें. और देखो एक बहुत बड़ा ट्रिप होने वाला है, बहुत बड़ा, उसके लिए प्रिपरेशन चालू है. ठीक है, उसके लिए आपने देखा होगा लास्ट अगर आप फॉलो करते हो तो फॉर्च्यूनर में बहुत सारी मॉडिफिकेशंस और चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, इन प्रोसेस है उसका, 3D वगैरह सारी चीज़ें रेडी कर रहे हैं, तो वो वाला चीज़ भी रेडी हो रहा है. जब एक बार राइट समय आएगा ना तो वो हम अनाउंस करेंगे. और उसके बाद भाई आप बोलेंगे भाई तगड़ी चीज़, मतलब फोड़ दिया, बोलोगे पक्का, कमेंट करोगे, बोलोगे कैसे कमेंट करोगे. ये देख रहे हो भैया ने कितना बड़ा बड़ा नो स्मोकिंग छपवा लिया ना एयरबैग के जगह पे, एयरबैग के जगह पे नो स्मोकिंग, और भैया खुद गुटखा खा रहे हैं. बहुत सही गुरु, ईट गुटखा नो सिगरेट, भैया का मोटो है. बहुत सही भैया, बहुत सही. और भाई लास्ट ट्रिप पे हमने कवर किया 1700 किलोमीटर. अभी ये मैं अचानक से मेरे को दिखा तो मैंने कहा आपको बता दूं 1700 किलोमीटर. वैसे ट्रिप के व्लॉग्स अभी चल रहे हैं और वो चलते रहेंगे ऊपर नीचे, मतलब दिन में 2 व्लॉग्स आएंगे एक ट्रिप वाले जब तक ट्रिप कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें ना कोई भी चीज़ काटने का मेरे को बिल्कुल मन नहीं है. इतना रॉ था ना कि एक एक चीज, छोटी छोटी चीज़ें जो हमने रिकॉर्ड की है ना वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे ताकि आपको भी वो रॉ वाला एक्सपीरियंस आए यार. और बाकी डेली व्लॉग जो अपने ज़िंदगी में चल रहा है वो चलता रहेगा. देखो डेली व्लॉग हमेशा चलता रहेगा, ठीक है, हमेशा परमानेंट ट्रिप नहीं हो सकता. ट्रिप के बाद ना इतनी बुरी हालत थी, इतनी बुरी हालत ना कि कल तो मैंने आके कैमरा उठाया नहीं, इतना तगड़ा सोया ना, मतलब पूरा शरीर, पूरा पैर, धूल मिट्टी तो छोड़ो, मतलब यार 24-25 घंटे अगर आपको गाड़ी के सीट पर बैठना पड़े ना, सोच के देखो कि 24-25 घंटे आपको एक क्लोज्ड गाड़ी में, चाहे फॉर्च्यूनर हो, चाहे BMW हो, चाहे कोई भी गाड़ी हो, भाई गाड़ी गाड़ी होती है, घर का बेड बेड होता है, जब आपको पैर फैलाने की जगह नहीं मिले, और 4 लोग भाई नॉर्मली ना हम ट्रिप पे 2 मैक्सिमम 3, ठीक है 3, क्योंकि तीसरा बंदा आराम से पीछे सो सके, इस बार 4 थे तो चारों को थोड़ा थोड़ा तो प्रॉब्लम हो ही रहा था, क्योंकि अगर मैं सीट पीछे करूँ तो पीछे वाले बंदे के पैर में अड़े, पीछे वाला बंदा अगर मेरे को सीट आगे करने को बोले तो मेरे पैर में अड़े, तो मिला जुला के ड्राइवर सबसे कंफर्टेबल था क्योंकि वो एक पोजिशन पे उसको कोई तंग नहीं करता था, तो अगल बगल जो बैठ रहे थे ना भाई भाई थोड़ा आगे कर ले, भाई थोड़ा पीछे कर ले, तो यही चल रहा था. बट अच्छा था यार, मिला जुला के 4 लोग गए ना तो मजा आया. बट अगली बार से 2 बंदे एक गाड़ी में, 2 बंदे दैट इज बेस्ट, एक बंदा चलाएगा एक बंदा सोएगा. भाई आज क्या बुरी हालत है ना, मतलब हमेशा पार्किंग का भी दिक्कत नहीं होती थी, आज तो सारी की सारी गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हुई हैं. अमेज, BMW, मर्सिडीज, जिमनी. सौरभ भाई को एक दो गाड़ी बेचनी पड़ेगी, 2-3 तो अभी और आ रही है ना, वो आपको शायद पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता दूंगा, कुछ दिन में पता चल जाएगा. वैसे हमने गाड़ी बाहर लगा दी है. भाई क्या तगड़ी लग रही है ना, हाँ जिमनी देखो भाई साहब, 3 इंच लिफ्ट, भाई ग्राउंड क्लियरेंस दिख रहे हो, हाँ क्या ज़बरदस्त लग रही है यार. तब एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, मैंने कहा भाई ये क्या है, नंबर प्लेट देखो, नंबर प्लेट यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि नंबर प्लेट के लिए ना नीचे जगह रहती है. हाँ ये पूरा मेटल बम्पर, ओह सेंसर वेंसर सब लगा है इसमें, ये देखो सेंसर, एग्जॉस्ट देखो भाई साहब, क्या तगड़ी लग रही है यार, क्या तगड़ी लग रही है ना. ये सब तो बेकार है, पानी कम है, वॉल्वो किया भाई, लग तो ये रही है ना भाई साहब, क्या ज़बरदस्त लुक आ रहा है ना, मज़ेदार ना. आगे भी मेटल बम्पर ये देखो भाई, यहाँ पे तो अभी इसमें ये लगेगा विंच, भाई ज़बरदस्त भाई, गजब स्टैंड अच्छा लग रहा है इस गाड़ी का, फील आ गई यार, फील आ गई. अभी तो इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें होनी है, हाँ एक बार हो जाएगी. बाकी मैंने फॉर्च्यूनर अंदर लगा दी, भाई पीछे से BMW वाले भाई थे वो जा रहे थे, अब मेरी गाड़ी उनके पीछे लगी थी तो वो जा नहीं सकते थे, मैंने कहा फॉर्च्यूनर अंदर लगा देते हैं, तगड़ी चीज़ भाई, BMW नहीं जिमनी. भाई ये देखो मस्त सा साइनेज यहाँ से हम लेके जा रहे हैं, ठीक है एक बार दिखाई दो सौरभ भाई, ये तगड़ा, ये ना पता है हमारे बैकग्राउंड, एक तो क्या करवा लिया यार चेहरे के साथ, मैंने ऊपर कम
ये ऐसे मत क्या करो उमर का, मैं आदमी पहचान भी नहीं आ रहा है ये कौन सा, ये नया चैनल पे नया कोई आदमी आया है भाई। यहाँ पे ना मेरे को जितनी चीजें दिखती है ना आधी चीजें मैं लेते जाता रहता हूँ ना, ये भी मेरे को ऐसा दिख गया था, इसका कोई प्लान नहीं था, हम कुछ और काम से आए थे, वो काम हमारा वो पता, हाँ पता है मुझे, मैंने कल जाके देखा था, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। ये बहुत अच्छा लग रहा है ना, दूर हो गया ये, थोड़ा सा बड़ा हो गया, और आओ सामने, बस 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 थोड़ा सा पीछे, एक मिनट रुको, यहाँ पे आप यहाँ पे रहो, ठीक है इतना ही। अब मैं भाई फॉर्च्यूनर में इसको लंबा लंबा करके डाला है। अच्छा खुलू क्या? हाँ बिल्कुल फिट आ रहा है, आगे पीछे करेंगे ना तो ये टूट जाएगा। ये हम लेके जा रहे हैं ना, और कुछ सामान भी है जो यहाँ से लेके जा रहे हैं। भाई गर्मी है बहुत तगड़ी वाली, हाँ दिन में बारिश होती है, अभी धूप हो जाती है, पता नहीं क्या ही चल रहा है यार जिंदगी में। और सामान दे रहे हैं, गेट बंद होगा कि नहीं होगा? सौरभ भाई जस्ट इन केस अगर ये टूट जाता तो फिर से बन जाएगा, हाँ फिर तो कोई टेंशन नहीं है। मैंने कहा भाई पूछ लो कि जस्ट इन केस अगर टूट जाता है तो भाई बन जाएगा दूसरी बार की नहीं, पता चला है कि एक। अच्छा एक मिनट और रुक जाए, हाँ इसमें इसमें काम करो ना, मुर्दा घर से लाश भी रख दो ना इसमें, ना अच्छा हाँ हाँ वो दे दो ना, मैं तो कह रहा हूँ मुर्दा घर से लाश भी ढोने का काम करने लगता हूँ ना, जाली वाली के अंदर मम्मी मम्मी फाई करके इसमें इजिप्ट ले जाता हूँ ना बैठा के। अरे बहुत तगड़ी चीज है ये, सुनो एक हाइलेक्स ले लेते हैं। मैं सीरियसली एक दिन सोच रहा था सौरभ भाई मजाक से हट के, एक हाइलेक्स ले लेते हैं, मॉडिफाई करेंगे तगड़ी। हमारे पास सारी कैटेगरी की गाड़ी है, हमारे पास ना पिकअप जीप ट्रक नहीं है, एक ट्रक तो बनता है। वो अपना वो वाला ले तो रहे हैं, वो बताना नहीं है, वो तो वो बाद में आएगा, लेकिन एक पिकअप ट्रक जिसमें हम ना, मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ तगड़ा लगेगा सौरभ भाई। अभी तो 10 लाख रुपए डिस्काउंट में मिल रही है, 14 का तो मुझे मिल रहा है, 14 का मिल रहा है। करते हैं प्लान, आ जाओगे ना शाम में, आओगे ना? ठीक है यहाँ से सीधे स्टोर पे चलते हैं, ठीक है यहाँ से लग जाएगा, नहीं ये तो अपने घर का है, चलो 6:30 बजे तक घर पहुँचे, मतलब उसी के आसपास लग जाएगा, यहाँ से 1 घंटा 1.5 घंटा, आने में 1 घंटा लगा, जाने में 1.5 घंटा लगेगा ही भाई। भाई तो फिलहाल अपन स्टोर पे आए हुए हैं, बैक का पीछे का लुक आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, अभी एक बार ग्रेजुअली इसकी ना ओपनिंग डेट भी हमने डिसाइड कर ली है, ठीक है तो किस तारीख को ओपन हो रहा है वो मैंने ऑलरेडी, मैंने सौरभ भाई ने डिसाइड कर लिया। भाई बाल का अजीब सा ही हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। चलो एनीवेज अभी सौरभ भाई भी रात में आएंगे, तो फिर जो छोटे मोटे इसमें इतने सारे पेंडिंग छोटे मोटे काम है ना कि वो सारी चीज़ें ना ग्रेजुअली होते होते टाइम लगेगा, बट अपन ना जो मेन चीज़ है ना, जो जिसके जो ऑपरेशनल करने में हमें इम्पॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हम अगले 1-2 दिनों में फिनिश कर देंगे। ये देख रहे हो पूरा इलेक्ट्रिकल सप्लाई कितना बड़ा है, हाँ ये सारा पूरा पैनल, ये सर्वो, ये मेन पैनल, मतलब ये इतना बड़ा है ना जो कि, हाँ ऐसा ही कुछ है, अच्छा है, तगड़ा है भाई। क्या हेक्टिक डे था, ओ हो क्या बुरी तरह थके यार। अभी थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करके अपना डेटा वेटा ट्रांसफ़र करके फिर 9 बजे कोई आ रहा है तो उससे मिलना है, तो मिला जुला के अपने पास आधा घंटा है रेस्ट करने के लिए, और आधे घंटे बाद फिर निकलना है, ऐसे ही है, ऐसे ही चलेगा जब तक गुड़गांव में रहो ना, ट्रैवलिंग और गुड़गांव दोनों बराबर ही है यार। भाई 9 बज रहे हैं और अपन अभी निकल रहे हैं, जो भाई आ रहे हैं ना उससे मिलने, देख रहे हो हालत क्या है। बाकी गाड़ी हमने बाहर ही लगा दी थी क्योंकि हमें पता था कि हमें निकलना है, फिर अंदर से निकालो निकालो उसमें टाइम लगता है। चलो भग लें यहाँ से।